नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो शुरू करते हैं आज के 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1883, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कीर्तिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुनही अगुनही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्भाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हय रथ पालकी गयत गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप, विशेखी छाए कहू धन आनंद जान, समारही की ठोर ले भूलने लेखी, बूंदे लगे सब अंग दंगे, उल्टी गति आपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगी, सुनी ही पे पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवेया में विरहनी नायिका की किस मनह स्थिति का चित्रण किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मार्मिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुजतित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सनिहित, उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका सही आंसर है राम नरेश त्रिपाठी। लास्ट क्वेश्चन है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर है लीलाधर जुगड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।